हुआ, मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? अम्मी आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा नजर आ रहा है, मगर इस घर में आपके होते हुए जो कुछ भी हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको। क्या मतलब है बताओ तो सही। आपका वो भाई जो बना फिरता है, उसकी इतनी हिम्मत कि कल उसने इस घर में आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शादी की पेशकश की। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस पर? जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ अम्मी। जिसने आपकी आंखों पे और इस पूरे मोहल्ले की आंखों पे अपनी पारसाई की पट्टी बांध रखी हो ना, उसके बाद तो मैं कुछ भी बोलूं आप लोगों को फजूल ही लगेगा, मगर सच यही है अम्मी। बड़ा अफसोस है रामीन, बहुत अफसोस है। एक भले इंसान से दुश्मनी खातिर तुम इस हद तक चली जाओगी, ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। ठीक, उसकी पारसाई का तमाशा सारी दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा मुझे। सबको बताना ही पड़ेगा कि उस इंसान के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा है, जो अपनी शराफत, पारसाई, हमदर्दी के सहारे इतना बड़ा खेल खेल रहा है। सबको बताऊंगी मैं। तुम होश में नहीं हो। होश में मैं आप सबको लाऊंगी अम्मी। हाजी मकाम आ गया है ना, क्या आप अपनी बेटी पर भरोसा करने के बजाय उस कमीने इंसान की हिमायत कर रही हैं, जिसने शराफत का चोला पहनकर आपके अपने घर पे नकब लगाई है। चुप हो जाओ रामी, चुप हो जाओ। जानती हो उस इल्जाम का कितना बड़ा अजाब है? चलो जाओ, जाओ बस, चली जाओ। हर वक्त एक ही बात करती रहती है। अच्छा भले इंसान के पीछे पड़ी। तुम्हारा पैगाम था या खुशबू का संदेशा? यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने खुद मुझे बुलाया। आज तो हैरत के झटके दिए जा रहे। क्या खुशी के मारे मुझे कत्ल करने का इरादा? मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा, इसी नतीजे में पहुंची कि आपकी बातों को मान लेने में ही मेरी भीतरी है। चलो ये तो अच्छा है कि तुम जल्दी मान गई। और अगर ना मानती तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होती, क्योंकि मुझे तो तुम्हें हासिल करना था। अभी अच्छा है, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो गई। वो रमिल और आपकी बीवी? अरे उन्हें हैदराबाद भेज दूंगा ना, भाई के पास। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा, रानी। और मेरी अम्मी? अरे तुम्हारी माँ तो मुझे एक आंख नहीं भाती है, हर वक्त तुम्हारी निगरानी में लगी रहती है। बहन बोल के उसे सर पे चढ़ा लिया मैंने, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। अब जबकि हमारा रिश्ता बदलने वाला है तो सोच लेंगे उसके बारे में भी कुछ। तुम उससे शादी कर लो ना, तुम्हें मलका बना के रखूंगा। वैसे जमाने वाले क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की उम्र जैसी लड़की से शादी कर ली? कुछ नहीं कहेंगे जमाने वाले, वो तो बल्कि खुश होंगे कि एक बेवा ने अपनी यतीम बच्ची एक बहुत ही अच्छे इंसान के हवाले कर दी। अरे ये शराफत का लबादा किसी काम तो आया, वरना शराफत के चोले में दिखावे की जिंदगी गुजार गुजार के थक गया था मैं। अरे अब ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है।